दोस्तों वॉयजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर ली है और नासा के मुताबिक वॉयजर 1 की तरह ही इसने हीलोस्फीयर को क्रॉस करके एक इतिहास रच दिया है। दोस्तों नासा के वॉयजर मिशन के बारे में आज मैं वीडियो में एक एक चीज आपको बताऊंगा, पर इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अपने स्पेस नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 40 साल पहले 1977 में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को अगस्त और सितंबर महीने में अर्थ से लॉन्च किया गया। आज इन दोनों को अर्थ से भेजे हुए 40 साल से ज्यादा हो गया है और दोनों स्पेसक्राफ्ट आज अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। 20 अरब किलोमीटर की दूरी तय करके वॉयजर 1 मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने इतनी ज्यादा दूरी तय की है। वहीं वॉयजर 2 ने दूसरा रास्ता तय करके करीब 17 अरब किलोमीटर की दूरी तय की है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अर्थ से इतना दूर जा चुके हैं कि वॉयजर 1 से सिग्नल को आने में 38 आवर्स और वॉयजर 2 से सिग्नल को आने में करीब 30 आवर्स लगते हैं। साइंटिस्ट एडवर्ड सी स्टोन, जो कि इस वॉयजर मिशन से स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर जा चुके हैं कि वहां पर अंधेरे और सर्द माहौल के अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 40 साल के बाद भी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट परफेक्टली वर्क कर रहे हैं और यूनिवर्स के तमाम रहस्यों को हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब इनकी काफी एज हो चुकी है। जब इनको भेजा गया था तब से लेके आज तक टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट हो चुका है। अब इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। आज वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल्स को कैच करने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल टावर्स लगाए हुए हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से हमें यूनिवर्स के तमाम रहस्यों का पता चला है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और उनके मून्स के बारे में कई रहस्यों के बारे में इन्होंने हमें बताया है। साइंटिस्ट कॉल सैगन ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट पे ग्रामोफोन लगाने का वर्क किया था। कॉल सैगन ने रेड प्लेनेट मार्स के वाइकिंग अभियान पर भी काम किया था। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य यह था कि ये स्पेसक्राफ्ट अगर यात्रा करते करते किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज को मिल जाएं, तो उनके ग्रामोफोन से वो हमारे ह्यूमन स्पीशीज के बारे में पता कर सकें। ये ग्रामोफोन डिस्क कॉपर के बने हुए हैं और लगभग 1 अरब साल तक ये खराब नहीं होने वाले। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को ये डिस्क मिलते हैं तो उन्हें ह्यूमन स्पीशीज के एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाएगा। साइंटिस्ट एडवर्ड सी स्टोन यह भी बताते हैं कि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को 1977 में भेजने का एक और रीजन यह था कि उस समय सोलर सिस्टम के सभी ह्यूज प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऐसे पोजीशन में थे कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट उन सभी प्लैनेट्स को पास करके गुजरते। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने लॉन्च होने के 18 महीने बाद जुपिटर की बहुत ही क्लियर पिक्चर हमारे पास भेजी। ब्रिटिश साइंटिस्ट गैरी हंट बताते हैं कि वॉयजर 1 और वॉयजर 2 द्वारा भेजी गई एक एक तस्वीर यूनिवर्स के एक एक अनोखे राज को खोलती थी। हमें लगता था कि सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पे ही वॉल्केनो है, पर वॉयजर स्पेसक्राफ्ट ने हमें यह बताया कि जुपिटर के एक मून यूरोपा पर भी वॉल्केनो है। वॉयजर मिशन ने सोलर सिस्टम के बारे में हमारे कई ख्यालों को गलत साबित किया। जैसे पहले हम यह सोचते थे कि ओशन केवल अर्थ पर ही पाए जाते हैं, लेकिन वॉयजर से आई कई तस्वीरों से हमें यह पता चला कि जुपिटर के मून यूरोपा पर भी ओशन है। जब वॉयजर 1 ने सैटर्न के मून माइमस की तस्वीरें हमारे पास भेजी तो सब इसे देख के हैरान हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे डेथ स्टार का नाम दिया। वॉयजर ने इमेजेस के जरिए सैटर्न के रिंग के बारे में हमें काफी कुछ बताया। इस मिशन से हमें यह पता चला कि सैटर्न के मून टाइटन पर काफी मात्रा में पेट्रोकेमिकल्स मौजूद हैं और वहां पर मीथेन गैस की बारिश होती है। वॉयजर मिशन से हमें सैटर्न के एक स्मॉल मून इंसेलिडस के बारे में भी पता चला। आज सोलर सिस्टम में लाइफ की सबसे अधिक संभावना सैटर्न के मून इंसेलिडस पर ही दिखाई देती है। 1980 में वॉयजर 1 ने सैटर्न से आगे बढ़ना शुरू किया। वॉयजर 1 1986 में यूरेनस प्लैनेट के पास पहुंचा। वॉयजर 2 ने हमें यह बताया कि यूरेनस गैस का बना हुआ है और इसके पास 10 मून्स हैं। 1989 में वॉयजर 2 नेपच्यून प्लैनेट के पास पहुंचा। मून ट्राइटन पे इसे नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। वॉयजर वर्ल्ड के सबसे पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जिन्हें कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता था। आज 40 इयर्स के बाद भी ये खुद से ही अपनी जर्नी कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी ऑन कर लेते हैं। वॉयजर को बनाने में इस्तेमाल की गई कई टेक्निक का यूज हम आज करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर में वॉयजर द्वारा यूज की गई कोडिंग का ही हम इस्तेमाल करते हैं।
आज जो टेक्निक फोन में इमेजेस प्रोसेस करने के लिए की जाती है वो वॉयजर के डेवलपमेंट के टाइम ही खोजी गई थी। वॉयजर मिशन का सबसे ऐतिहासिक पल तब आया जब 14 फेब 1990 को इसने अपने कैमरे को अर्थ की तरफ घुमाया। इसने अर्थ की तस्वीरें ली जो एक बहुत ही स्मॉल सी नीली रोशनी जैसी दिखाई देती है। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि सोलर सिस्टम में जरा से एक्सीडेंट से पूरी ह्यूमन स्पीशीज खत्म हो सकती है। ऐसे में वॉयजर के थ्रू ह्यूमन स्पीशीज की निशानियां इस डार्क स्पेस में बची रहेंगी। दोस्तों 2013 में वॉयजर 1 और 2018 में वॉयजर 2 इस सोलर सिस्टम से दूर निकल गए। दोनों अब इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए हैं, वो स्पेस जो दो तारों के बीच का सेपरेशन करता है। इन स्पेसक्राफ्ट में एटॉमिक सेल्स लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगी। एवरी नेक्स्ट ईयर इनसे 4 वॉट कम इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बहुत ही केयरफुली इन मिशंस को जारी रखा गया है। इसके कई इंस्ट्रूमेंट बंद किए जा चुके हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट के कैमरा बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां स्पेस एकदम डार्क है और देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सेव करके वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को गर्म रखा जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट 10 ईयर्स में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी स्पेसक्राफ्ट डार्क स्पेस में आगे बढ़ते ही रहेंगे। शायद किसी और स्पीशीज को ये स्पेसक्राफ्ट मिल जाए और इनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए वो हमारा मैसेज समझ सके। तो दोस्तों ये थी वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की स्टोरी। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे एक बड़ा सा लाइक देना ना भूलें।